मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया में। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम भोजप्री दंगल लेकर आ गई हूँ। और भाई, अब ऐसा लगता है कि हमारे इस प्रोग्राम को बदल कर, जी हाँ, भोजप्री दंगल को बदल कर राजनीति दंगल रख देना चाहिए, क्योंकि इस समय पर भोजप्री इंडस्ट्री से ज़्यादा इस समय पर बिहार की राजनीति में ज़्यादा हलचल मची हुई है। जी हाँ, राजनीति में हलचल मची है, लेकिन राजनीति के अगर जो पक्ष में बात करें या उस विचार उस टॉपिक पे बात करें तो फिर वो पारिवारिक मामला आ जाता है। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जी हाँ, तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या रॉय की तलाक को लेकर। लगातार हम इस पर अपडेट बनाए हुए हैं, लगातार हम आप लोगों को इस खबर के पीछे की सारी जानकारी, सारी अपडेट आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बहरहाल, आज की अगर बात करें तो अभी फिर एक नई अपडेट आई थी कि कल शाम तेजस्वी, जो कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, वो अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची के हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, क्योंकि इस समय पर लालू की तबीयत भी उनका साथ नहीं दे रही है। ताज़ा अपडेट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तेज प्रताप को लेकर के, तो तेज प्रताप ने अपने भाई के जन्मदिन के मौके पर ये साफ कर दिया है कि जब तक वो ऐश्वर्या से तलाक नहीं लेंगे, वो अब घर वापस नहीं लौटेंगे। तेज प्रताप का कहना है कि पूरे घर वाले उनका साथ दें, उनके इस फैसले को माने, तभी वो घर वापसी करेंगे। यानी कि अगर तेज प्रताप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो इस ऐश्वर्या से पूरी तरीके से तलाक अलग होना चाहते हैं, तभी वो फिर घर लौटेंगे। तेजस्वी की अगर बात करें, तेजस्वी ने लगातार अपने परिवार वालों के साथ वो जुड़े हुए हैं, अपने भाई के साथ भी जुड़े हुए हैं, लगातार वो अपने भाई और अपनी भाभी यानी ऐश्वर्या के मिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उसी बीच वो बीच में एक बार मीडिया पे भड़कते हुए भी नजर आए। जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किए तो उनका साफ कहना था कि ये मेरा एक पारिवारिक मामला है और आप इसमें दखल अंदाजी ना करें मीडिया, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद आज फिर तेजस्वी अपने पिताजी से मिलने रांची के हॉस्पिटल यानी लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे हैं, और साथ में उनकी बहन रागनी और उनके पति यानी कि लालू प्रसाद यादव के दामाद भी उनके साथ शामिल हैं। इनका हॉस्पिटल जाना, रांची जाना, बहुत बहुत सारे सवाल एक साथ खड़ा करता है। पहला सवाल कि क्या तेज प्रताप और ऐश्वर्या की वजह से तेजस्वी अपने पिताजी के पास गए हैं। दूसरा सवाल कि क्या तेज प्रताप की इन हरकतों की वजह से, या यूं कह लें उनके इन फैसले की वजह से, लालू प्रसाद यादव की तबीयत पूरी तरीके से बिगड़ गई है, उनका साथ छोड़ चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर ने हाल ही में एक खबर में कहा था, एक डॉक्टरों की माने तो कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव डिप्रेशन में जा रहे हैं और उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही, और इसकी एक वजह तेज प्रताप और उनकी पत्नी ऐश्वर्या के बीच विवाद भी हो सकता है। तीसरा सवाल, क्या लालू की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनसे मिलने वाले अब परिवार पहुंच रहे हैं, जिसमें तेजस्वी, उनकी बेटी रागनी भी शामिल है। तो इस तरह की वो तमाम खबरें हैं जो आज के डेट में देखा जाए, अभी के समय में देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार को उथल पुथल करके रख रखा है। ऐसे बीच राबड़ी देवी का भी एक अपडेट आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि ना ही तेज प्रताप और ना ही तेजस्वी के बिना वो इस छठ पर्व को मनाएंगे। यानी कि वो परिवार, जी हाँ, जो वो लालू परिवार जिनकी छठ पूजा पूरे बिहार में फेमस थी, राजनीति के हर लोग इस वक्त इस समय पर पक्ष विपक्ष भूलकर लालू के घर पे जाते थे छठ पूजा में शामिल होने के लिए, लेकिन आज वही परिवारों में छठ पूजा के खास दिन के मौके पर सन्नाटा फैला हुआ है। यानी कि राबड़ी देवी इस बार छठ का पर्व भी नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चारों तरफ से लालू के परिवार पे है, जो इस समय पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई हुई हैं, लेकिन इससे निकला कैसे जा सके, ये अभी तक समाधान नहीं निकल पाया है। हालांकि कोशिश हर कोई कर रहा है। जी हाँ, खबरों की माने तो ऐश्वर्या रॉय की पूरी फैमिली तो यहीं तेज प्रताप की पूरी फैमिली, जिसमें माँ राबड़ी देवी, पिता लालू यादव और उनकी बड़ी बहन मीशा भारती भी शामिल है, जो वो चाहती हैं कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए और तेज प्रताप एक बार फिर से ऐश्वर्या को अपनी पत्नी बना ले और उनके साथ रहे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तेज प्रताप के किसी भी
जी हाँ, किसी भी बयान से या किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा कि वो दोबारा से अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। जी हाँ, फिलहाल उन्हें लेकर अपडेट है कि वो वृंदावन जा चुके हैं, लेकिन घर वो वापस लौटते हैं या नहीं और क्या वो ऐश्वर्या से तलाक लेते हैं या नहीं, ये सब तो समय आने पर पता चलेगा। और तेज प्रताप और ऐश्वर्या की नए कोर्ट को लेकर के अब जो फैसला है या उनकी जो आखिरी सुनवाई है वो 29 नवंबर को होनी है। तो ऐसे ही लगातार आप प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिएगा, हमारे खबर के साथ बने रहिएगा, ताकि हम आप सभी लोगों को बिहार पूर्वांचल और अलग अलग खबरों के साथ जुड़ी जानकारी अपनी नई अपडेट आप लोगों को देते रहें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।